क्या बात है, क्या हिला रहा है लेफ्ट लेफ्ट राइट से स्टार्ट कीजिए। क्या बात है भाई, तुम सेंटर है यार, सामने सामने लेफ्ट दोनों वन माउथ सामने सामने दोनों सामने आपके सामने आपके लेफ्ट में सोनल जी गाना आ रहा है भाई। हां जी आप कैसा लगा गाना? बस बस बस, ये एक वचन वाला है, गाड़ी को उठाने वाला है सोनल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तहार सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप ही इस पूरी शिप को चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस, जिस तरीके का लोकेशन है, आपका लुक है काफी शानदार है, और काफी लंबे टाइम से हम इस तरीके के तहार को देखने का इंतजार कर रहे थे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले थैंक यू, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट एक बंदे से या एक बंदी से नहीं होता है, एक पूरी टीम की मेहनत होती है। And I think that the beautiful factor of this is always going to be Sonal. And more than that, I feel that this कोई भी गाना जो है आवाज से चलती है. So without Afsana Khan, right, there is no music video, to be very honest. And congratulations to Adhya Music because this is their first. So thank you very much for opening such an incredible company and providing such incredible music. And now let's get to the song. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गाना है इसमें एक अरबी वाला फील जो है, आई थिंक इज वेरी यूनिक, द टच ऑफ इट, एक यू नो इट्स ऑल्सो शॉट इन अ वेरी पीरियड वे, सो इट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ यू नो एंटीक्स, द काइंड ऑफ आर्ट डिज़ाइन दैट द डायरेक्टर्स यूज्ड, सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड आई हैव एंजॉयड ट्रेमेंडसली वर्किंग विद इनक्रेडिबल पीपल एंड आई होप दैट वी गेट टू क्रिएट मैजिक इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक ताहा ने बहुत सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और मैं इनसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जब भी हम कुछ करते हैं, स्पेशली जब क्रिएटिवली हम एक वीडियो बनाते हैं या एक फिल्म बनाते हैं, तो टीम वर्क इज़ वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आई थिंक जो हमारी इस जहर मोहब्बत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी टीम थी, फ्रॉम यू नो आध्या म्यूज़िक giving us this beautiful opportunity to work on this together. The directors were incredible, they made the whole experience very very seamless, and it really didn't feel like hum itne extreme conditions mein shoot kar rahe the, registan mein shoot kar rahe the, but bahut hi acha experience raha। and afsana ki main hamesha se fan rahi hu, I think inki awaaz bahut strong aur bahut hi unique awaaz hai, to And jo ye song, would you compare to Adele? I will compare you to Adele. Yes, yes. You're Adele of India. Adele of India. Thank you. So bahut bahut maza aaya, and this is the first time Taha and I have worked together, but aisa laga nahi ki hum pehli baar kaam kar rahe the, and I would like to say that Sonal is very vulnerable jab wo camera ke samne hoti hai, aur she has no barriers, right? She wants to work with the other actor, and I feel that is very important. Hamari koi bhi industry mein, especially for an actor and actress, to be able to build that comfort, kyunki hum ek dusre ko nahi jante the, humne to pehli baar hum log set pe hi mile the, so I feel to be able to break that ice immediately, it has to be from both sides, right. And I think that you have made that very very easy, so I think, yeah, I think you made it very easy for me also. Main to easy thank you, thank you. So yeah, it was a great experience all. Afsana ji, main aapse jana chahunga, aapki itni pyari awaaz Adhya Music mein, matlab sabka mila ke collaboration, ek bahut meethi awaaz hum sabhi ke beech mein, ye aap kya kuch batana chahenge? Adhya Music ko pehle to bahut bahut mubarakain, jis कंपनी ने इतनी अच्छी, कहते हैं ना कि शुरुआत की है तो आगे तो पता नहीं ये क्या करेंगे, ये तो भगवान ही जाने। इतना अच्छा काम, इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतनी अच्छी सारी टीम है कि इतना बड़ा काम किया है, क्योंकि वो इनका काम बोलता है, गाना बोलता है, वीडियो बोलता है, इतने बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, सो ये सब इनको क्रेडिट जाता है, तो बहुत बहुत मुबारकें, और आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा आगे जाएं और काम खूब चले, तो नाम करें आपका, तो यही दुआ है कि बस अच्छा काम करते रहो। बहुत अच्छा लगा मुझे भी काम करके, और इनके सोनल जी के साथ ताहा, और सारी टीम आपके लिए और सबके लिए एक बार ताड़ी लगा दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम। जैसे कि कोविड के बाद से 2023 से देखा गया कि बहुत सारे गाने आए, फिल्में चली,
और हर तरह के प्रोजेक्ट 2023 से काम करने लगे और बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स हम सभी के बीच में। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, सबसे पहला थॉट कहाँ से है कि हमें जहर मोहब्बत की शुरुआत करनी है और इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है? That goes up to these guys. So basically, we got this song. Lakshan Siddharth is a composer, and उन्होंने ये गाना दिया हमको, and पहले लक्ष्य की आवाज़ में था. So we thought कि मैंने भैया से discuss किया, अभिनव भैया is our main founder. So नहीं सभी हैं. हाँ, मतलब discuss किया आपने? सबकी कंपनी. प्रॉफिट भी मुझे ये सॉन्ग जो है ये अफसाना की आवाज़ में बहुत अच्छा लगा. लेट्स डू इट विद अफसाना. देन वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग एंड इट केम आउट वेरी नाइसली. मतलब जो सोचा था उससे भी लाइक अ नॉच अबव. सो वी जस्ट डिड इट एंड नाउ वी आर हियर. बट आई थिंक लक्ष्य का वर्जन भी हमें इट वाज गुड. इट वाज गुड. आपको रिलीज करना चाहिए. वी विल डू इट सून. सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, सॉन्ग के शूटिंग के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो भी सामने आई? कितना कलेक्शन कर पाएगा सॉन्ग यूट्यूब से? देखो कलेक्शन तो नहीं है अभी, फोकस वहाँ पे नहीं है पैसों पे. फोकस सिर्फ इतना कि कंपनी ग्रो करे और हम सब ग्रो करे, दैट्स द ओनली फोकस राइट नाउ. ग्रेट. अगर बात पैसों की तो मैं जानना चाहूँगा आर्टिस्ट के बारे में क्या कुछ है, किस तरीके से काम किया दोनों? मैं सर जो मैंने बहुत देखा है बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही अच्छे से शूट हुआ. मतलब शी टोल्ड अस की बियॉन्ड एक्सट्रीम वेदर एंड एवरीथिंग, तो दे डिड इट देयर बेस्ट. अफसाना जी, आपके जो गाने सेलेक्ट करते हो ना, वो हमेशा ऐसे आते हैं कि लोगों के दिलों पे छा जाते, लाइक टिकिया हो गया, लल्ला लल्ला हो गई, अब ये जहर मोहब्बत आ रही है जी, तो इसमें क्या अलग होने वाला है? इसमें अलग यही कोशिश रहती है, जब भी कोई गाना आता है सबसे पहले वो रूह से गाया जाए, दिल से गाया जाए. इसीलिए जब हम रूह से गाएंगे तो आपके दिल को टच करेगा. तो मेरी कोशिश जितने भी गाने मैं गाती हूँ तो मेरी यही रहती है कि पूरा दिल दिमाग रूह से गाना है. तो बस ये जो मुझे ये टैलेंट मिला है तो वो मैं इस गाने में अपने आप को प्रूफ करती हूँ कि मुझे सब सुने और प्यार करें. तो इसमें बस अलग ऐसा है कि बहुत अच्छा गाना है, मेरे भी बड़ा दिल के पास है, क्योंकि इसका जो एंड पार्ट है ना वो मोस्ट फेवरेट मेरा है. और सभी जाके यूट्यूब पे सुनिए और फिर पता चलेगा आपको. सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी फेवरेट पार्ट है. लिरिक्स इज वेरी हार्ड. हां सर, मेरा सवाल आपसे कि अक्सर जब भी आपसे मुलाकात आप कहते हैं कि ये साल मेरा है, ये साल मेरा. मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप फिटनेस वाइज भी बहुत खुद पे काम करें, एक्टिंग वाइज भी काम करें, इस गाने को हां कहने की सबसे बड़ी क्या वजह थी? सोनू, I was expecting that. मुझे ये हमने डिसाइड कर लिया. व्हाट वाज द मैं जो बी टू गेदर जो इन्हीं जो कंपनी है, मैं उन्हें काफ़ी सालों से जानता हूँ और मेरी ये कोशिश थी कि मैं उनके साथ काम करूँ. स्पेशली माही इज इनक्रेडिबल मैन. माही एक ही इज़ वेरी यूथफुल एज अ डायरेक्टर. वो कभी ज़्यादा सोचता नहीं है. वो हमेशा इट्स ऑलवेज फास्ट फॉर हिम, इट्स ऑलवेज ऑन हिज टोज. वो तो मैं घोड़े का शॉट कर रहा था, वो घोड़े के साथ भाग रहा था, लिटरली उसी की स्पीड पर भाग रहा था कैमरा के साथ, यू नो. सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय फॉर पुटिंग हिज होल हार्ट एंड सोल इन टू डायरेक्शन. एंड वाई आई सेड येस टू दिस सॉन्ग इज बिकॉज ऑफकोर्स बिसाइड दीज ग्रेट रीजन्स एंड द अमेजिंग सॉन्ग दैट इट इज़, हम लोग शूट जो कर रहे थे शारजा में कर रहे थे, और शारजा इज़ माई होम टाउन. मेरी स्कूलिंग शारजा में हुई है. तो सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर मैंने सोचा कि पहली बार दुबई में हम लोग शूट करेंगे. मैंने कभी लाइफ में दुबई में शूट नहीं किए, एंड आई कैन इनवाइट माई फैमिली, माई फ्रेंड्स. सो आई थॉट दैट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. तो सो मेरे लिए मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है. आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, और लिरिक्स एंड इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन अ सॉन्ग. मुझे उस तरीके के गाने ज़्यादा पसंद आते हैं. एंड जब मैंने एंड अफसाना की, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आई बीन अ फैन ऑफ हर्स, तो जब मैंने पहली बार गाना सुना उसमें जो इमोशनल हाइज एंड लोज हैं, जो लिरिक्स थे और जो एनर्जी इन्होंने डाली है, मेरे लिए सबसे पहला रीज़न वही था. और उसके बाद मुझे पता चला कि बी टुगेदर शूट कर रहे हैं उनके साथ. मैंने पहले शूट नहीं किया था, मैं भी काफ़ी टाइम से उनके साथ काम करना चाह रही थी. And then they told me that Taha is, you know, going to be opposite me. So I said this is going to be
यू नो अ ड्रीम टीम टू वर्क विद एंड आध्या म्यूज़िक का ये पहला सॉन्ग है एंड ये लॉन्च इसी सॉन्ग से लॉन्च हो रहा है सो आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो द बिगनिंग ऑफ द जर्नी वेल आई थिंक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे अभी अभिनव ने भी बोला कि वो पैसे से ज़्यादा आई थिंक उनका जो फोकस है वो एक अच्छा काम करने पर है एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी वन हु इज़ डूइंग समथिंग इन द क्रिएटिव फील्ड एंड हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आगे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सभी के लिए लाएंगे तो अगर इस तरीके के सॉन्ग्स आपको पसंद हैं सो आई थिंक आध्या म्यूज़िक इज़ योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल दी अमेजिंग म्यूज़िक दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कॉमेंट मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि ऑडियंस एंटरटेनमेंट चाहती है और whether it be through audio or video क्योंकि आजकल audience बहुत ही क्या बोलते हैं 20-30 सेकेंड में वो वीडियो चेंज कर देते हैं सो यू नो सो सच अ फ्रेश वीडियो एक जो आइडिया है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे ही आइडियाज वर्सेटैलिटी में यू गाइस मेक डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट एंड आई ऑल्सो फील दैट दे आर गिविंग नॉट ओनली आई मीन आई एम श्योर इन द फ्यूचर यू विल गिव न्यू आर्टिस्ट अपॉर्चुनिटीज You know, and I feel that's why the audience should follow Adaya and the whole team. It's because they get to hear not only fresh music, but music from independent artists in the future. Fresh outlooks to different ideas, perspectives. The filming of it is going to be at really incredible locations. So I believe to get the visual entertainment and the audio entertainment, that's why we should follow it. मैं भी यही कहूँगी आपने देखा ही है कि इतना अच्छा काम किया है दिल से किया सबने तो इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए गाने को कमेंट कीजिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ और एक्ट्रेस के साथ आपको गाने इस चैनल पे मिलने वाले हैं सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है पूरी टीम को और ऐसे गाने अपने चैनल पर बजाते रहो और शाते रहो We are very thankful to Sonal and Taha because ये हमारा पहला गाना था and generally होता नहीं है कि actors ready हो जाए पहला label का पहला गाना है and अफसाना की आवाज़ थी तो ये दोनों खूब like we are very thankful. No, it's our pleasure. मैं इनके लिए बोलूँगा नया है but अच्छा होगा 100% and we are coming up with like few great songs like you guys will see in future. जनता भाई को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगा अगर आपकी दो नजर हम सुन ले तो सफल हो जाए जनता भाई ले जा बे सब खो के पानी दी लहर मोहब्बत यार दे हाथों पीता 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 मैं जहर मोहब्बत यार दे हाथों पीता 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 मैं जहर मोहब्बत मैं जहर मोहब्बत